दोस्तों ये मेरा बहुत शॉर्ट वीडियो है जो बिगिनर लोगों के लिए है, सारेगामा पदनिशा कैसे बजाते हैं। बेसिक है, बहुत ज़्यादा मैंने डिस्क्राइब किया है मेरे कुछ वीडियो में और डिटेल में, बहुत लोगों को वो ज़्यादा बोरिंग लगता है ज़्यादा मैं डिस्क्राइब करता हूँ, तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको 5 मिनट में दिखा दूंगा सारेगामा पदनिशा कैसे बजाते हैं। आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा मेरे वो वीडियो का जिसमें मैंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास है सी स्केल का फ्लूट। इसे पकड़ने का मेथड यहाँ होता है, यहाँ पे थंब रखना, ये वाला फिंगर यहाँ रखना, सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे। जब आपको अगर ब्लो करना आ रहा हो तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ट्राई नहीं करना चाहिए, पहले आपको ब्लो सीखना चाहिए। ये सब डिटेल मैंने वो वाले वीडियो में भी दिखाया है। तो यहाँ पे आप एक एक होल करके आपको क्लोज करना है, फ्लूट को यहाँ पे प्लेस करना है, बड़ी सांस लेना है। जब 3 होल बंद करोगे तो आपका बजेगा सा, यहाँ पे देख लो, ये 3 होल इस तरह से क्लोज होना चाहिए तब बजेगा आपका सा। सेकंड आप ये 2 ही होल बंद करोगे, बाकी होल सब ओपन रखोगे तो ये हो जाएगा रे। तो ये उसके बाद 3 होल बंद, सब होल बंद ओपन रखोगे और लास्ट वाला 1 ही होल बंद करोगे, ये हो जाएगा ग। और लास्ट वाला है ये होल, जो अगर आप हाफ म ओपन करोगे तो ये हो जाएगा म, जिसको इतना ही ओपन करना है। और इसका ओपन करने का आदत ये नहीं करना है, आपको ऐसे ओपन करना है स्ट्रेट, तो आगे जाके आपको पता चलेगा ये मैं ऐसा क्यों बोला था। तो उसके बाद ये हुआ म, तो क्या सारे ग म म ऐसे हाफ ओपन करना है, आप पकड़ के चलो 30-35% ओपन करना है। उसके बाद प, सब होल प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए। आपको मोस्टली बहुत प्रॉब्लम आ सकता है प बजाने में या म टू प जाने में, ये प्रॉब्लम आता है, इसके पीछे का कारण ये होता है आप अगर सही से क्लोज नहीं करोगे फिंगर सब, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा ही। तो इसके लिए सब होल प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए, एयर प्रेशर भी उतना होना चाहिए जितना रिक्वायरमेंट है प बजाने के लिए, एयर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये सब डिटेल सीखना है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप या स्काइप वीडियो कॉल में भी सीख सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको सिखाता हूँ 1-to-1 और वीकली 1 सेशन लेता हूँ जिसमें आपको 8 दिन प्रैक्टिस करना होता है। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ सीखोगे तो डेफिनेटली उसका ज़्यादा फायदा ही होता है और कम टाइम में सीख जाओगे। उसके बाद ये प होगा, बाद में ये ध होगा, सब होल बंद, लास्ट वाला होल ओपन। नी के लिए ये होल ओपन करना है, 2 होल ओपन रहेंगे और सा के लिए सभी होल आगे के ओपन, ये 3 होल क्लोज। एयर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू नीचे के सा से। तो ये हुआ सारे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ये आपको बजाने के लिए एक अच्छा फ्लूट चाहिए, आपका ब्लो अच्छा रहेगा तो आप सारे ग म प ध नि सा बजा पा सकते हो। इसके लिए आपको ब्लो की एयर डालने की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प ध नि सा बजाते समय दूसरी चीज़ पे ध्यान देना है कि एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो बजेगा, और एक चीज़ पे फोकस करना है, आपके होल प्रॉपर क्लोज रहेंगे तो ही प ध नि सा बजेगा, नहीं तो ये ऐसा रहेगा तो चिल्लाएगा, ये ऐसा कुछ साउंड आ रहा है तो समझ लेना आप गलत बजा रहे हो। साउंड शंख की जैसा आना चाहिए, एकदम कॉन्च की जैसा, एकदम क्लीन और बेस उसमें कुछ मिला हुआ। अगर ऐसा कुछ पकड़ोगे या ऐसा लीकेज रहेगा तो डेफिनेटली आवाज़ साउंड अलग ही करेगा, सही में बजेगा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि सारेगामा पदनिशा आप किस तरह से बजा रहे हो, तो आपको पकड़ने का मेथड भी आपको प्रॉपर होना चाहिए। आपको बार बार उसमें देखना है कि सब होल क्लोज है। बहुत बार ये भी होता है आपने सब होल क्लोज करने के बाद जब आप यहाँ पर लगा दो तो वापस वो ऐसे सरक जाता है, तो इसलिए उसको प्रॉपरली होल्ड करना चाहिए। बहुत टाइट पकड़ना है ये नहीं बोल रहा हूँ, होल प्रॉपरली क्लोज होने चाहिए, मुझे सिर्फ उतना चाहिए। दूसरी चीज़, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपने कितना गलत पकड़ा है कितना सही पकड़ा है। ज़्यादा पोजीशन ऐसे भी नहीं रखना, ऐसे भी नहीं रखना, ऐसे भी नहीं रखना है, सिंपली स्ट्रेट रख सकते हो, ऐसा थोड़ा टेढ़ा भी चलेगा, फिंगर शोल्डर को ज़्यादा पेन नहीं होगा। इस तरह से पोजीशन आप पकड़ोगे तो आप उसको सही से और अच्छे से बजा पाओगे। अगर आपको और डिटेल में सीखना है तो आप मुझे मेरे साथ व्हाट्सअप या स्काइप वीडियो कॉल में सीख सकते हो, जिसमें मैं वीकली 1 सेशन लेता हूँ, हफ्ते में 4 सेशन होते हैं, ऐसे वीक टू वीक भी आप मेरे पास सीख सकते हो। टाइमिंग आपका और हमारा कन्वीनियंट टाइम पर हम क्लास रख सकते हैं। तो आपको अगर सीखना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है यहाँ पे 9921991131, उसमें भी आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सअप पर पूछ सकते हो, तो हम वहाँ पे क्लास भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, नमस्ते।